ग्राफिक डिजाइनर हो क्या? एक बहुत बुरी खबर लाया हूं, तुम्हारी नौकरी जाने वाली है। अगले 5 सालों में तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचेगा और कंटेंट राइटर्स के साथ भी बिल्कुल सेम होने वाला है। मैं कोई बड़ी बड़ी नहीं फेंक रहा भाई, बट बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बताता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं ये लोग और तुम्हारे काम को तुमसे 1000 गुना तेजी से कर रहे हैं, 1000 गुना सस्ता बना रहे हैं और 1000 गुना ज्यादा क्रिएटिव बना रहे हैं। तुम कितना भी अपने आप को क्रिएटिव समझो, बट इनकी एआई तुमसे बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम कर रही है। अभी आपको लगेगा कैसी ये फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहा है, ना, ये सब हो रहा है। एनवीडिया का नाम सुना है? अरे वो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी। इसका एक प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं एनवीडिया कैनवस। ये वीडियो देखो, ये बंदे क्या कर रहे हैं पता है? एक लाइन खींच रहे हैं और पहाड़ बन जा रहा है, लाइन खींच रहे हैं बादल बन जा रहा है, एक लाइन खींचने से नदी बन जा रही है। और ये सिंपल बादल पहाड़ या नदी की फोटो नहीं है, ये एक एग्जिस्टिंग ड्राइंग के नेचर को समझ के, वहां की शेडोज को समझ के, वहां के कलर को समझ के, उस कॉन्टेक्स्ट में बादल नदी और पहाड़ की फोटोज है। एंड दिस इज रिवोल्यूशनरी, क्योंकि आप सोच के देखो, कोई इंसान किसी ग्राफिक डिजाइनर के पास जाके बताए कि यार यहाँ पे मुझे ऐसा बादल चाहिए, यहाँ पे ऐसी नदी चाहिए, उससे बढ़िया है कैनवस में 2 लाइन खींच के काम हो जाएगा, सस्ता जल्दी और ज्यादा क्रिएटिव। अरे यहाँ तो फिर भी इंसान को हाथ चलाना पड़ रहा है, गूगल की तैयारियां इससे भी आगे की हैं। इनका एक मॉडल है पाथवेज ऑटो रिग्रेसिव टेक्स्ट टू इमेजेस मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, आपके दिमाग में कोई भी इमेज आती है, आप उसको वर्ड्स में लिखो, इसमें फीड करो और ये वैसी फोटो बना के दे देगा। कि आपको एक टाइगर की फोटो चाहिए मगर बच्चे की आर्ट वाली फॉर्म में, मिल जाएगी भाई। आपको इसकी पेंटिंग चाहिए मगर केवमैन स्टाइल में, वो भी मिल जाएगी। और ऐसी दुनिया भर की जो भी आपके दिमाग में ऐसी फितूरी चलती हो, उन सब पर ये पेंटिंग बना के फटाफट दे देगा। इनकी वेबसाइट स्क्रॉल करके देखोगे, बहुत टेक्निकल डिटेल मिलेगी। अभी मोस्टली ये सब कुछ रिसर्च में है, मगर ये क्या कर सकता है ऐसा, इनकी वेबसाइट पे आपको कुछ टॉगल मिलेंगे, आप क्लिक कर करके देख सकते हो कि कैसी कैसी पेंटिंग्स आप इसके जरिए 5 सेकंड के अंदर जनरेट कर पाओगे। और गूगल का ही एक और मॉडल है इमेजन। अब ये पार्टी और इमेजन के बीच में टेक्निकल डिफरेंसेस है, मतलब ये कैसे पूरा काम करते हैं, मगर काम ये बिल्कुल सिमिलर करते हैं। वहां पर भी यही है, जो आपने सोचा वो आपके सामने। ये तो हुई बात गूगल की। अब दरअसल इस प्रोडक्ट का भी एक्सेस तो है नहीं, इन्होंने वेबसाइट में कुछ लिमिटेड चीजें दिखा रखी हैं जो क्लिक कर करके देखनी पड़ती हैं। लेकिन एक और कंपनी है ओपन एआई, जिसका एक प्रोडक्ट है डाली, जिसका वर्जन 2 अप्रैल में निकल कर आया था। और यहां पर आप ईमेल एड्रेस डालो, रिक्वेस्ट करो, तो आप भी लाइन में लग जाओगे, मैं भी लगा हुआ हूं, बट कई सारे लोगों को इसका एक्सेस मिल चुका है। जिस दिन ये लॉन्च हुआ था मेरा दिमाग फट गया था। इसका जो सीईओ है ना, सैम ऑल्टमैन, उसने ट्विटर पे एक थ्रेड बनाया था। उसने कहा था, जो भी सोच सकते हो एक लाइन में बताओ, उस पर एक मस्त सी इमेज मैं बनाकर दूंगा। और उस थ्रेड के नीचे ऐसी ऐसी इमेजेस निकल के आई कि कई सारे रैबिट हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, या कोई रैबिट है जो अंगूर काट रहा है। मेरा ऐसा दिमाग फटा, मैंने इस पे पूरी रील बना दी थी उसी टाइम पर। बट आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ पीपल गॉट एक्सेस टू इट। MKBHD को जब एक्सेस मिला, एक टेक यूट्यूबर है US का, उसने इस पर बहुत तगड़ा वीडियो बनाया है और उसके अंदर इसने बताकर दिखाया है कि देखो कुछ भी लिखने पर कैसे कैसे इमेजेस बनती हैं। वरुण मया जो एक इंडियन यूट्यूबर हैं, इन्होंने भी इस पर पूरी लाइव स्ट्रीम करी है, पूरा वीडियो बनाया है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और यहाँ पर इन्होंने शो करा है कि देखो डाली की पावर क्या है। यहाँ पर क्या होता है ना, आपको इमेज का छोटा सा हिस्सा डालो, वो पूरी पेंटिंग कंप्लीट कर देगा। आप एक लोगो अपलोड करो, उसके नए नए वेरिएशन बना देगा। अरे आप कोई नया लोगो बनवा सकते हो इससे। और आपके दिमाग में आ रहा है, यार मुगल के टाइम पे बैटमैन कैसा दिखता होगा, तो मुगल आर्ट के बीच में बैटमैन खड़ा हुआ है और ऐसी 6 की 6 फोटोज आपके सामने हैं 5 सेकंड के अंदर। सोच के देखो इसकी पावर। कोई भी ग्राफिक डिजाइनर अगर इसको बनाएगा, पहली बात तो ये सोचना कितना मुश्किल है, और उसके बाद बनाने में कितने घंटों कितने हफ्तों की मेहनत लगेगी, तब एक चीज निकल कर आएगी, ये 5 सेकंड में 6-6 ऐसी चीजें बना रहा है। सोचो इससे कम्पीट कर पाओगे। अब ये तो बात हुई ग्राफिक डिजाइनर्स की, ये डाली वाले का भी एक्सेस बड़ा मुश्किल है यार। मैंने मेल आईडी डाल रखी, अभी तक मुझे नहीं मिला है। लेकिन ओपन एआई का एक और टूल है जो कि कंटेंट राइटर्स के लिए है। ये टूल ओपन एआई में आप साइन अप करते हो, उसके बाद आपको एक्सेस इसका मिल जाता है डायरेक्टली। इसे कहते हैं प्ले ग्राउंड। ये खाली टेक्स्ट का बॉक्स है और यहां पर योर इमेजिनेशन इज द ओनली लिमिट।
क्योंकि आप एक सोचो कि अगर मुझे पोएम लिखनी है मून पर, आप लिखो पोएम ऑन मून और ये बना देगा। जितनी बार आप सबमिट करोगे उतनी बार ये नई पोएम निकाल के आपको देगा। एंड सिमिलरली किसी भी तरह का रोमांटिक सीन क्रिएट करना हो, डरावना सीन बनाना हो, हर एक चीज पैरा दर पैरा पूरा क्रिएट करता चला जाता है। आपको अगर ट्विटर थ्रेड लिखना हो वो भी आप इसके जरिए लिख सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में 5 फैक्ट 10 फैक्ट 500 वर्ड्स में ऐसे सारा कुछ यहाँ पे क्रिएट हो सकता है सिर्फ एक पुश ऑफ अ बटन पर। और तो और आप इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करके कहीं पे भी चेक कर लो, प्लेजरिज्म 0% आती है। एंड दैट इज द पावर ऑफ ओपन एआई राइट नाउ। सैम ऑल्टमैन अभी ओपन एआई को हेड करते हैं और अगर इसी तरह से काम करते रहे भैया, ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द richest पर्सन इन द वर्ल्ड और ओपन एआई अगली मेटा, गूगल या Amazon जैसी कंपनी बनेगी। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपकी नौकरी तो खतरे में भैया, कुछ नई चीज सीख लो। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लो।